जिस हिसाब से बांग्लादेश से आरडीएक्स और बॉम्ब मंगवाना स्टार्ट किया, और जिस हिसाब से राइफल मंगवाना स्टार्ट किया, असलाह और बारूद मंगवाना स्टार्ट किया, उससे ये समझ में आ गया यूएन को भी और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री को भी कि इसकी दशा और दिशा दोनों नाकाबिले बर्दाश्त है, इवन अनपार्डनेबल सिन है, और इसके ऊपर कड़ी नजर तो रखी जाए पर मुलाकात बिल्कुल ना किया जाए। जैसा पाकिस्तान एक जमाने से हिंदुओं पर करता आया है, सिखों पर करता आया है, और 23.3% माइनॉरिटीज हिंदुओं को खत्म करके पाकिस्तान ने 1% किया है, ठीक वैसे ही यहाँ पर हो रहा है। और यूनुस साहब पाकिस्तान से ट्रीटी करके इसीलिए बुलवा रहे हैं आरडीएक्स, असला और बारूद, ताकि जो 1-1.5 करोड़ से ऊपर हिंदू बचे हुए हैं उनको भी खत्म कर दिया जाए। मुस्लिम कट्टरता नहीं है, ये तालिबानी एक्टिविटीज है, ये जिहादी एक्टिविटीज है, ये मुसलमान नहीं है। ये मुसलमान का नाम रख करके ये अपने क्रिमिनल और अपनी आतंकी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, अपने अश्लीलता के नंगे नाच को इस्लाम का नाम दे करके उसको एक्सक्यूज दे रहे हैं और अपने आप को बचा रहे हैं। आजादी आजादी मिल गई, आजादी दे दिया प्रधानमंत्री ने, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी दिया है, उसको मौज करो, लाल चौक पे हनुमान चालीसा पढ़ो, भारत का झंडा लहराओ, बोलो भारत माता की जय, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शायला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शायला, और हम बात करेंगे बांग्लादेश की। वही हुआ जिसका डर था। मोहम्मद यूनिस ने रिक्वेस्ट भेजी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अमेरिका में मुलाकात की, और मोदी साहब ने कहते ना सफेद इनकार कर दिया, कोरा इनकार कर दिया कि हम मोहम्मद यूनिस से नहीं मिलेंगे। ये तो होना ही था, ऑब्वियस सी बात थी कि बांग्लादेश की अकड़ आखिर कितने दिन तक ही कायम रहती। और मोहम्मद यूनिस का ये भी कहना है जी हम कुछ ऐसे मुद्दे जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच थे उनको सुलझाना चाहते थे, लेकिन मोदी साहब 21 सितंबर से 3 दिन के दौरे पर जी निकल पड़े हैं अमेरिका में, जहाँ पर वो समिट ऑफ फ्यूचर में जी इन्वाइटेड हैं, जहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं। कहा जा रहा है पाकिस्तान से शहबाज शरीफ भी जाएंगे, खैर वो तो एक अलग बात है, लेकिन हम बात करेंगे बांग्लादेश की के इतना ज्यादा एंटी इंडिया होने का दावा करने वाला बांग्लादेश आज जो है मोदी साहब से मुलाकात क्यों चाहता है। और मोदी साहब के इनकार के बाद जो है इंडियंस बहुत ज्यादा हैप्पी हैं कि बांग्लादेश के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मतलब जितना ज्यादा भारत जो है बांग्लादेश को पनिश कर रहा है, तो जो भारत की जो पब्लिक है वो उतना ही ज्यादा अपने प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। अब ये मुद्दा क्या है, क्या ये मालदीव वाला ही सीन रिवर्स होने वाला है, जिस तरह मालदीव ने इंडिया से बायकॉट किया, फिर चाइना से हाथ मिला लिया, फिर चाइना को बायकॉट किया, फिर इंडिया के पांव में आके बैठ गया, फिर अंडे डबल रोटी मांगी, और आज जो है मालदीव इंडिया के गुनगाता हुआ नजर आ रहा है। सो वेलकम करते हैं नाजिया लाही खान को अपने शो पर और उनसे इन मुद्दों पे बात करते हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग माय शो। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। थैंक यू सैरा। मैम क्या कहेंगी मोहम्मद यूनिस के रिक्वेस्ट को, मोदी साहब ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया, और अक्सर लोग मीडिया में कहते हैं कि मोदी साहब जो है जिद के बड़े पक्के हैं, तो क्या क्या ख्याल है आपका, क्यों रिजेक्ट किया होगा, क्या बांग्लादेश की पनिशमेंट अभी मजीद बाकी है? आया इस्लामिक ऊंट सनातनी पहाड़ के नीचे। अच्छा। और ये होना ही था, होना ही था। हमने आटा चावल और पैसे बंद क्या करवा दिए कि बांग्लादेश की इंटरिम सरकार अपने आप हिल गई। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने आंखें निकाल करके और उंगली उठा करके चेतावनी क्या दी कि बांग्लादेश के यूनुस साहब का तख्ता जो है वो हिलता हुआ नजर आ गया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने हिंदुओं को सुरक्षित रखने की जो बात कही थी और जिससे बांग्लादेश की इंटरिम सरकार पीछे हट रही थी, यूएन के टीम की जो पूरा काफिला ढाका और बांग्लादेश क्या पहुंच गया, और माइनॉरिटीज हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार पर पूरा पूरा इन्वेस्टिगेशन क्या करने लगा कि बस इंटरिम सरकार का तख्ता जो है वो हिलता हुआ नजर आ गया। आपने कहा कि आखिर साफ इनकार आदरणीय प्रधानमंत्री कैसे कर दिए भारत के, शाला मुझे लगता है कि इंसान की मुलाकात इंसान से होती है, इंसान की मुलाकात ज़ॉम्बी से नहीं होती है, इंसान की मुलाकात सांप से नहीं होती है, इंसान की मुलाकात मगरमच्छ से नहीं होती है, ठीक है, इंसान मुलाकात जो है वो इंसान से करता है। तो मोहम्मद यूनुस इंसान नहीं है। बांग्लादेश में रहने वाले
इस्लामी जमाती बांग्लादेश में रहने वाले एक्सट्रीमिस्ट, बांग्लादेश में रहने वाले टेररिस्ट, बांग्लादेश में रहने वाले तालिबानी और जिहादी माइंडेड मुसलमान इंसान नहीं है, इंसान नहीं है, वो सांप है। और जिस भारत ने शेख मुजीबुर रहमान का साथ दिया और पाकिस्तान से काट करके बांग्लादेश बनवाया, उसी भारत को आंखें दिखाने लगा इंटरिम सरकार। और बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री के कहने पर उन्होंने बार बार कहा कि सरकार बना रहे हो, तुमको बधाई भी देता हूँ और तुमको चेतावनी भी देता हूँ कि हिंदुओं की सुरक्षा मेरे लिए सर्वोप्रिय है, पर इस बात को माना नहीं बांग्लादेश। लेकिन अगर मोहम्मद यूनिस की बात करें और जैसे जमात इस्लामी की आपने बात की, तो उन्होंने भी बांग्लादेश के अंदर होने वाले प्रोटेस्ट और जिस तरह से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई थी उसको कंडेम किया था, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश और मोदी साहब की मुलाकात को जो है मीडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था कि हो सकता है कि कोई गुत्थी जो है वो सुलझ जाए, लेकिन उनका मोदी साहब के जो टीम है उनका ये भी कहना है कि उनका जो 3 दिन का दौरा है उसमें वो बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे, तो कोई टाइम जो है नहीं मिल रहा। अगर यही ताल्लुकात हम शेख हसीना के जमाने के देखते हैं, तो मोदी साहब उनको हर छोटे बड़े प्रोग्राम के अंदर भारत से जो रिलेटेड होता था उनको इन्वाइट करते हुए नजर आते थे। आज बांग्लादेश अगर देखा जाए तो कभी पाकिस्तान के साथ वो एटम बम बनाने की बात करता है, तो पाकिस्तान से एटमी हथियार खरीदने की बात करता है, पाकिस्तान को बांग्लादेश अपना बेहतरीन दोस्त आज मान रहा है, ठीक है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो इंडिया के लिए उनकी पॉलिसीज बहुत ज्यादा रिवर्स हो गई हैं, फिर मुलाकात भी कोशिश की जा रही है। तो ये बांग्लादेश के अंदर अगर इस वक्त मैं दोस्तों को बताते चलूं कि वहां पर आर्मी डिप्लॉयड हो चुकी है, क्योंकि ये जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस है इनकी भी सरकार जाने वाले, क्योंकि इनसे आज तक हालात कंट्रोल नहीं हुए, और इन्होंने जो है आर्मी ऑफिसर्स को जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो है ओहदा दे दिया कि ये किसी के ऊपर गन भी चला सकते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में मुझे अपना मेरा पर्सनल ओपिनियन मैम ये है कि भारत जो है जमहूरियत को बहुत ज्यादा जो है प्रमोट करता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद ये वजह है कि भारत अब समझता नहीं है कि बांग्लादेश इस काबिल है कि उससे बात की जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट अमेरिका में जो मीटिंग होने वाली है वो बहुत इम्पोर्टेंट है शायद। लेकिन इस इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण मीटिंग में भी अगर बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना होती तो 2 घंटे का भी समय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जरूर निकालते, क्योंकि शेख हसीना एक संवैधानिक महिला थी। शेख हसीना हर एक धर्मों को सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखती थी। शेख हसीना हमेशा बांग्लादेश के इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट और एडुकेशन पर वो बहुत फोकस करती थी। शेख हसीना के दार दौरे में जिस हिसाब से मुसलमानों को तरजीह दी जाती थी, जिस हिसाब से मुसलमानों को अहमियत दी जाती थी, ठीक उसी तरीके से हिंदुओं को भी अहमियत और बाकी धर्मों को भी अहमियत दी जाती थी। हालांकि भीतर भीतर तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 2 फुटिया 3 फुटिया मौलाना थे, जो अपनी प्रीत से वहां बांग्लादेश के माहौल को गर्म करते थे, और कभी रोड पर नमाज पढ़ना, कभी अपनी प्रीत के हिसाब से प्रोवोकेट करना, कभी अपनी प्रीत से भड़काऊ भाषण दे करके मुसलमानों के हाथ में तलवार दिलवाना, ये मुल्ला मौलवियों का काम बांग्लादेश में चलता था। और रंगे हाथ शेख हसीना की पुलिस उनको अरेस्ट करती थी और समझाती थी कि इस देश में ये पाकिस्तानी जो चरित्र है वो नहीं चलेगा। लेकिन यूनुस साहब ने जिस हिसाब से जमात इस्लामी के साथ मीटिंग करना स्टार्ट किया, जिस हिसाब से बांग्लादेश के साथ ट्रीटी साइन करना स्टार्ट किया, जिस हिसाब से बांग्लादेश से आरडीएक्स और बॉम्ब मंगवाना स्टार्ट किया, और जिस हिसाब से राइफल मंगवाना स्टार्ट किया, असलाह और बारूद मंगवाना स्टार्ट किया, उससे ये समझ में आ गया यूएन को भी और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री को भी कि इसकी दशा और दिशा दोनों नाकाबिले बर्दाश्त है, इवन अनपार्डनेबल सिन है, और इसके ऊपर कड़ी नजर तो रखी जाए पर मुलाकात बिल्कुल ना किया जाए। और जो वहां पर आर्मी डिप्लॉय कर चुकी है वो कैसे कर चुकी है, जब आज से ठीक 7 दिन पहले यूएन की पूरी टीम वहां पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंची है, यूएन की टीम ने जब वहां पर अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है और जमीनी हालात को उन्होंने देखा है और सारे लोगों से बात किया है, तब यूएन की टीम का एक रिपोर्ट इशू हुआ है कि यहाँ पर वाकई में माइनॉरिटी पर जो अत्याचार हुआ है वो सेम वैसा ही हुआ है जैसा पाकिस्तान एक जमाने से
हिंदुओं पर करता आया है, सिखों पर करता आया है, और 23.3% माइनॉरिटीज हिंदुओं को खत्म करके पाकिस्तान ने 1% किया है, ठीक वैसे ही यहां पर हो रहा है। और यूनुस साहब पाकिस्तान से ट्रीटी करके इसीलिए बुलवा रहे हैं आरडीएक्स असला और बारूद, ताकि जो 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ऊपर हिंदू बचे हुए हैं उनको भी खत्म कर दिया। मुस्लिम कट्टरता नहीं है, ये तालिबानी एक्टिविटीज है, ये जिहादी एक्टिविटीज है, ये मुसलमान नहीं है। ये मुसलमान का नाम रख करके ये अपने क्रिमिनल और अपनी आतंकी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, अपने अश्लीलता के नंगे नाच को इस्लाम इस्लाम का नाम दे करके उसको एक्सक्यूज दे रहे हैं और अपने आप को बचा रहे हैं कि हमने इस्लाम के लिए किया है, इस्लाम में ये नहीं कहा गया है। तो आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश से इनकार मोदी साहब ने किया क्योंकि वहां पे कट्टरता थी, वहां पर हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा जो है अत्याचार किया गया, मतलब जुल्म किया गया, और पाकिस्तान के आवाम से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, बात ह्यूमैनिटी की भी यहाँ पर होती है कि हिंदुओं ने तो बांग्लादेश में कुछ ऐसा किया ही नहीं था। लेकिन आपको क्या लगता है कि जैसे मालदीव रिवर्स हुआ था, बांग्लादेश के भी रिवर्स का टाइम आ गया, या फिर ये 5-6 महीने मजीद ऐसे रहेगा? क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर बनती है जब बांग्लादेश और इंडिया के बीच कुछ ऐसे होते हैं कि मुलाकात नहीं हो रही, इंडिया ने ट्रेड बंद कर दी, इंडिया ने जो है वीजाज डिले कर दिए, और इंडियन आर्मी ने जो बीएसएफ है उन्होंने बांग्लादेशियों को कहा कि प्लीज आप वापस लौट जाओ, आपको बॉर्डर क्रॉस करने नहीं देंगे। तो ये जो खबरें बन रही है, आपको क्या लगता है कितना टाइम तक बांग्लादेश और इंडिया का इस तरह चलता रहेगा? जब तक बांग्लादेश की सरकार हमारे हिंदू भाई बहनों को सुरक्षित और पूरी इज्जत के साथ जो उनका लीगल राइट है वो नहीं दे देता, तब तक तो मुझे नहीं लगता कि मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री इनको माफ कर सकते हैं, या इनका जो हुक्का पानी है वो फिर से चालू हो सकता है, मुझे नहीं लगता। अब आपने मालदीव्स की बात कही है, मालदीव्स खुद अकड़ा था और हमने कुछ भी नहीं कहा था, मालदीव्स खुद पैर पर गिरा है। तो उसी तरीके से बांग्लादेश के इंट्रीम जो सरकार है, जो यूनुस साहब है, वो उन्होंने वो जब शपथ ले रहे थे तो उन्होंने कहा था कि वो पूरे माहौल को, पूरे सिनेरियो को वो 1 हफ्ते के अंदर सॉर्ट आउट करेंगे और फिर से बांग्लादेश जैसे चल रहा था वैसे चलेगा, जिसमें वो फेल हो चुके हैं। तो या तो वो अपने अपने तख्त को छोड़ दें और आर्मी के हवाले ही कर दें उसको, और या तो फिर बांग्लादेश इस्लाम इस्लामिक जो है वो अलग कर दें और बंगलिस्तान अलग कर दें जिसमें सिर्फ हिंदू रहेंगे, हमारी आर्मी उनको प्रोटेक्ट करेगी। मुझे एक मजे की बात याद आई कि बांग्लादेश की जानिब से वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी को भी एक थ्रेट लेटर आया कि आप जो है भारत से अलहदगी का जो है वो मुतालबा करें। ये मैं स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ। तो ये क्या, आप तो कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है माफी मांगेगा, बांग्लादेश तो यहाँ पे भारत को खुद के साथ मिलाने की जो है बात कर रहे हैं। तो मोहम्मद यूनिस की सरकार की पॉलिसीज तो कुछ बहुत ही कहते हैं ना पहुंची हुई लग रही है। नहीं, क्योंकि हमारे मैं शैला पश्चिम बंगाल की वोटर हूँ, मैं अभी भी आपसे जो बात कर रही हूँ वो वेस्ट बंगाल से ही कर रही हूँ। अच्छा। और हमारे वेस्ट बंगाल में जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार हुआ करती थी, कम्युनिस्ट की, और कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी बहुत, तब तो मतलब लेफ्ट फ्रंट की सरकार में भी शायद मेरी पैदाइश नहीं हुई थी। और मैं एक्टिवली पॉलिटिक्स को पश्चिम बंगाल में 2010 से ही देख रही हूँ, तब तक मेरी उम्र बहुत कम थी। तो यहाँ पर घुसपैठिया जो है ना, बांग्लादेशी घुसपैठिया वो इतने ज्यादा हैं। और जब फैमिलीज आती है, 2-4 लोग आते हैं, फिर वो अपने लोगों को बुलाते हैं, और पॉकेट वोट बनाने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोटी बोटी भी दिया है, आसरा भी दिया है और छत भी दिया है, क्योंकि वो पॉकेट वोट बन जाते हैं उनके, उनकी सरकार ना गई। उसके बाद जब ये बांग्लादेश में जो एक बहुत डरावना माहौल चल रहा था, उस वक्त भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने ऐलानिया कहा था कि मेरा दरवाजा खुला हुआ है, जो जो बांग्लादेशी छात्र मतलब स्टूडेंट आना चाहते हैं वो आ जाएं। लेकिन वैसे ही उस वक्त शेख हसीना साहिबा जो है वो बांग्लादेश में ही थी, उस वक्त वो निकली नहीं थी वहां से। उस वक्त तुरंत उनके फॉरेन मिनिस्टर ने तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट को, मोदी जी के सरकार को लेटर लिखा कि किस अथॉरिटी से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा बयान दिया है। वो सिर्फ एक राज्य की मुख्यमंत्री है, किसी भी तरीके के फॉरेन पॉलिसीज पर, किसी भी तरीके से केंद्र सरकार की पॉलिसीज पर वो इंटरफेयर नहीं कर सकती है।
और जो स्टूडेंट के रूप में जो जिहादी बैठे हुए हैं, जो आतंकी बैठे हुए हैं, वो उसको इनवाइट कैसे कर सकती हैं। जैसे ही शेख हसीना के निकलने की बात आई, वो सरेंडर हो गई, पश्चिम बंगाल की जो नेत्री है हमारी, जो मुख्यमंत्री, उन्होंने तुरंत कहा कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री डिसीजन लेंगे हम उसी को मानेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमानों की तरफ, खास करके घुसपैठिया बांग्लादेशी मुसलमानों की तरफ, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का झुकाव इतना ज्यादा है जिससे उनको कॉन्फिडेंस मिला है, उन आतंकी और जिहादियों को कॉन्फिडेंस मिला है कि हम ममता बनर्जी को और पश्चिम बंगाल की सरकार को कन्विंस कर पाएंगे कि आप भी हमारे में शामिल हो जाएंगे, आप भी शामिल हो जाएंगे। पर मुझे उम्मीद है, कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल की सरकार उनको करारा जवाब अब तक तो नहीं दी है, लेकिन आने वाले वक्त में मैं उम्मीद करती हूँ कि वो दें और जरूर दें। पर हम जब तक केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकियों से इस देश के 28 राज्यों का कोई भी राज ना कभी जुड़े था और ना कभी जुड़ सकता है जब तक आदरणीय प्रधानमंत्री बैठे हैं। ठीक है नाजी जी, ये स्टेटमेंट को आप किस तरह से जो है क्लियर करती है कि जो भारत है वो मोहम्मद यूनिस के साथ इस वजह से भी मिल बैठ नहीं रहा, क्योंकि जो शेख हसीना थी वो तो भारत की पपेट थी ना, इसलिए भारत को वो बहुत अच्छी लगती थी और इंडिया जो है ना शेख हसीना के बड़े गुण गाता था, और अब क्योंकि शेख हसीना वाजिद नहीं रही है तो आप भारत का उस तरह से इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में नहीं रहा, तो ये कहीं ना कहीं तो सवाल भारत पे भी उठते हैं, तो इस स्टेटमेंट को आप किस तरह क्लियर करती हैं? देखिए आप दो तरीके के सवाल खुद कर रही हैं। हाँ, और या तो फिर अपना हिजाब खुद खोल रही हैं, मुझे ऐसा लगता है। एक तरफ आप कह रही हैं कि क्या मालदीव्स की तरह बांग्लादेश भी घुटने टेक देगा, और ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस साहब जो इंटरिम सरकार लेकर के बैठे हैं उनको मोदी जी को इनवाइट करना पड़ा और मोदी जी ने साफ कह दिया कि नहीं आएंगे, जाओ, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कर दिया। तो अगर पपेट या कुछ ऐसा बनाना होता या करना होता तो हम तो मालदीव्स के प्रेसिडेंट को भी पपेट बना करके रखते। ऐसा जो देखिए सनातन धर्म के मानने वाले जो कट्टर हिंदू होते हैं ना, वो पपेट, किसी के साथ धोखाधड़ी करना, झूठ बोल करके किसी का नुकसान करना, किसी को आतंकी चेहरा दिखाना या किसी का बुरा करना, ये सनातन धर्म कट्टर हिंदू नहीं करता, कभी भी नहीं करता, कभी भी नहीं करता। एक गुजारिश थी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने, एक गुजारिश इंटरिम सरकार से किया था कि जो दृश्य हिंदुओं के लिए हो रहे हैं वहां पर बांग्लादेश में, आप उसको खत्म करवा दीजिए, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप बहुत फले फूले और आप बांग्लादेश को बहुत खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं, लेकिन हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको आप जल्द से जल्द खत्म करवाएं। ये एक गुजारिश थी ना। अब वो गुजारिश अगर जानबूझ करके बांग्लादेश की इंटरिम सरकार मोहम्मद यूनुस साहब नहीं मान रहे हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री को यह कर्तव्य बनता है कि वो अपने हिंदुओं के लिए स्टैंड लें, और जहां जहां भी इस दुनिया में हिंदूज हैं, सनातन धर्म के मानने वाले हैं, उन सब का नेता, उन सब का लीडर सिर्फ एक है, वो है भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके ऊपर यह कर्तव्य बनता है कि वो हिंदुओं की आवाज बने, और जिस देश में भी हिंदुओं पर अत्याचार होगा वो अपनी अपनी कट्टरता जरूर दिखाए। ठीक हो गया, तो हम समझ चुके हैं कि बात यहाँ पर मोहम्मद यूनिस की नहीं है, बात उनकी उन पॉलिसीज की है जो वो इस वक्त हिंदू बांग्लादेशी हिंदू के लिए कर रहे हैं, इस वजह से मोदी साहब उनसे अमेरिका में नहीं मिलने वाले। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज भी है हम आपके सामने रखेंगे, कश्मीर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगी कि कुछ वीडियोस हमने देखी है कि कश्मीर के अंदर जो है कश्मीरी जो लोग हैं वो बीजेपी को वोट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, और वो कह रहे हैं कि हम जो है सरकार बदलना चाहते हैं। मैंने 2-3 चैनल्स पे देखा, हो सकता है कि वो अपडेट अच्छी ना हो या हो सकता है उसके वो मिस इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन कश्मीर को लेके भारत का जो नैरेटिव है वो तो बड़ा क्लियर है, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं पे यू टर्न लेता हुआ नजर भी आ रहा है। जितना पहले हमारी गवर्नमेंट कश्मीर कश्मीर करती थी, अब उतनी नहीं दिख रही, और ना जैसे इलेक्शन हो रहे हैं कश्मीर में और हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उससे एक भी स्टेटमेंट नहीं आया 2019 के बाद। चलो फर्जी तौर पर ही एक ब्रेकिंग न्यूज ही बना देते, वो भी नहीं बनी इस दफा, तो क्या कहेंगी, क्या अपडेट्स हैं? सिर्फ दो स्टेटमेंट पर मैं
जम्मू कश्मीर के जितनी भी आवाम है उनको अपना मैसेज भेजना चाहूंगी, और साथ साथ में पीओके में रहने वाले मेरे भाई बहनों को भी ये मैसेज उनको भी मिल जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान दोबारा चाहता है 370। जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस चाहती है हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कल, मैं आपको सीरियल से बता दे रही हूँ। पाकिस्तान चाहता है दोबारा 370, कांग्रेस चाहती है दोबारा 370, फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी चाहती है दोबारा 370, और सेपरेटिस्ट और जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के लोग वहां पर अभी भी छुपे हुए हैं वो भी चाहते हैं दोबारा 370। इजी मनी इनकम पत्थरबाज, दंगाबाज, गुंडाबाज, क्रिमिनल बाज, जो मुसलमान जो वहां पर इजी मनी कमाते थे वो भी चाहते हैं दोबारा 370, क्योंकि उनका कारोबार ठप होकर के बैठ चुका है। मैं एक नेशनल न्यूज पर बैठी हुई थी 370 को लेकर के, और वहां का एक मुसलमान बैठा था, तो मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछा कि आप बीजेपी को वोट क्यों नहीं करेंगे, तो उसने कहा 370 दोबारा लाना है। मुसलमान मैं आपसे खुद ही ट्रांसपेरेंटली बता दे रही हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि पहले आपका बच्चा स्कूल जाता था, तो कहा कि नहीं, ज्यादातर तो स्कूल बंद रहता था। तो मैंने कहा कि अब जाता है, तो अब तो जाता है, अब तो बिल्कुल खुला रहता है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरी बेटी भी जाती है, मेरा बेटा भी जाता है। मैंने कहा इसीलिए दोबारा 370 चाहिए, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बच्चों को शिक्षित नहीं करना है। पहले आजाद थी आपकी बेटी या अब आजाद है? मैंने नेशनल न्यूज पर यह बात पूछा है, तो उसने कहा कि नहीं अभी तो भाई बहुत अच्छा है, अभी तो मेरी बेटी खुद साइकिल चलाती है, खुद स्कूटी चलाती है, बड़ी वाली बेटी स्कूटी चलाती है, छोटी वाली बेटी साइकिल चला करके स्कूल जाती है। मैंने कहा इसीलिए 370 दोबारा चाहिए कि आपका बेटा, आपके बेटे को डॉक्टर इंजीनियर ना बनना पड़े, और आराम से कश्मीर में 370 हटा आजादी, ये पाकिस्तान 370 ला के क्या करेगा? इस ये भी तो बता नहीं आप, अब या तो आप छुपा रही हैं और या तो फिर आप बहुत बोली, मैं आपसे उगलवाना चाह रही हूँ। अच्छा, मुझसे उगलवाना चाह रही है। देखिए कांग्रेस की सरकार के नेतृत्व में फारूक अब्दुल्ला जो आतंकी माहौल बना करके रखा था जम्मू एंड कश्मीर में, इससे बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है वो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को होता था, और जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की फंडिंग से जो सहूलत होती थी उससे पाकिस्तान की सरकार को भी बहुत सहूलत होती थी। बल्क में जो पैसा जाता था उससे पाकिस्तान की सरकार को भी तो कट मनी मिलता था, तो इसलिए तो दिक्कत हो रही थी ना। और इसीलिए जो कांग्रेस चाहता है वही पाकिस्तान भी चाहता है। जब हमारे यहाँ लोकसभा इलेक्शन होता है तो हमारे यहाँ हम लोग प्रचार करते हैं मोदी जी का, लेकिन राहुल गांधी का प्रचार कौन करता है? पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान करता है। और यही वजह है कि पिछले 3 बार से, पिछले 15 साल से राहुल गांधी मुंह के बल गिर रहा है, मुंह के बल गिर रहा है। और उसकी माँ का जो लालसा है, जो लालच है अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने का, वो सपना का सपना ही रह जाएगा। अब आती है बात कि जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वो क्यों ना वोट करें भारतीय जनता पार्टी को? उनके पास सारी वजूहात हैं मौजूद भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की। पहले क्या था जम्मू एंड कश्मीर में, 3 परिवारों से इंक्लूडिंग कांग्रेस से क्या मिला? गोली, बारूद, आग, आतंकवाद, कर्फ्यू, 370। अब मोदी जी से क्या मिला? 5 लाख का बीमा, आईआईटी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आवास योजना, रेलवे, हाईवे, टनल, टूरिज्म, पीस डेवलपमेंट, एडुकेशन, फ्रीडम। चाहिए क्या था कश्मीरी को? आजादी, आजादी मिल गई, आजादी, पढ़ो लिखो डेवलप करो, मिल गई आजादी, दे दिया हमने आजादी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने सारे कश्मीरियों को आजादी दे दिया, खुली हवा में सांस लो, लड़कियां पंख लगा करके उड़ो, पढ़ो लिखो, पूरी रात बाहर रहो, कोई कुछ नहीं करेगा, मिल गई आजादी, और चाहिए क्या। और कल की जो जलसे भी उन्होंने बताया तो था कि अब बिजली भी 1 साल के लिए कश्मीर के लिए फ्री कर दी गई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आपको पता है पहले जब कश्मीर में बर्फबारी होती थी तो सारे रास्ते बंद हो जाते थे, अब बजाबते ट्रेन चलती है, बजाबते ट्रेन चलती है, बर्फ को चीरते हुए ट्रेन चलती है पटरी पर, कोई अपने काम से काम को रोक नहीं सकता है, कोई अपने अपने किसी कारोबार को रोकेगा नहीं, सबका इंतजाम किया जा रहा है। आजादी, 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 मिल गई आजादी, दे दिया प्रधानमंत्री ने, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी दिया है, उसको मौज करो, लाल चौक पे हनुमान चालीसा पढ़ो, भारत का झंडा लहराओ, बोलो भारत माता की जय, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। चले ये तो अभी रिजल्ट आएगा और उसके बाद जब वहां पर जाहिर है पार्लियामेंट बनेगी, जब लोगों के मुद्दे पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होंगे, लोग जमहूरियत को दोबारा वहां पे पनपता देखेंगे 2019 के बाद, तो इन्हों एक इमेज तो कश्मीर का बहुत बदलेगा। और आपको क्या लगता है कि कश्मीर में आज कोई ऐसी परसेंटेज मौजूद है जो कि आज भी पाकिस्तान से उम्मीद करती हो कि पाकिस्तान हमारी बात करेगा? हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल और पाकिस्तानी मानसिकता के लोग सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, पाकिस्तानी मानसिकता के लोग हमारे 28 राज्यों में जो अपनी साजिश, अपनी स्ट्रेटेजी, अपना षड्यंत्र खेलते रहते हैं, पर हम लोग इतने सुपर एक्टिव हुए हुए हैं ना कि हम उनकी हरकतों से उनको पहचान लेते हैं, और जैसे ही वो देश प्रेमी और देशभक्त लोगों पर या संवैधानिक लोगों पर वो टारगेट करते हैं या वो अपना आक्रमण करना स्टार्ट करते हैं, वो जिहाद का ऐलान करना स्टार्ट करते हैं, हम अपने संविधान की ताकत से उनका उनका मुंह वही मचोड़ देते हैं। सही हो गया। खैर मेरे जहन में बड़े सवाल आ रहे हैं, मैं आपसे बारी बारी पूछना चाहती हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा जो है लेंथी हो गई है और बड़ा अच्छा लगता है, टाइम का पता ही नहीं लगता दोस्तों, और इतनी जल्दी से गुजर जाता है। सो बहुत अच्छा लगा नाजिया जी आपसे गपशप लगा के, बातचीत करके, और उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का हमारा शो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। देखते हैं कि कहते हैं ना कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के अंदर न्यू एंट्री क्या होने वाली है, कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट सामने आ जाएगा। और अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मुझे और नाजिया खान को दे इजाजत। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच नाजिया खान विद शैला खान। बहुत अच्छा हमारा गपशप रहा, बहुत अच्छी गॉसिप रही और बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट गॉसिप रही। अपना ख्याल रखें, बहुत ज्यादा ख्याल रखें, और भारत माता की जय, वंदे मातरम।